उत्तर प्रदेश में टीचर्स में डिजिटल अटेंडेंस का भले ही विरोध हो रहा हो, लेकिन नेटवर्क और सर्वर का रोना रोने वाले टीचर्स क्या कर रहे हैं उसकी एक वानगी आपको दिखानी बहुत ज़रूरी है। स्कूल में टीचर मोबाइल में बिजी रहते हैं तब सर्वर भी काम करता है और कोई डिजिटल बाधा भी नहीं आती। इस बात का खुलासा कैसे हुआ, वो संभल से हुआ। जब संभल के डीएम एक स्कूल में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो डीएम साहब ने पाया कि इस स्कूल में 101 स्टूडेंट्स का नामांकन है, 47 छात्र ही स्कूल में प्रेजेंट हैं, स्कूल में 5 टीचर हैं, 2 शिक्षा मित्र हैं, इस दौरान वो भी गायब थे। अब आप समझ ही गए होंगे कि डिजिटल अटेंडेंस का विरोध क्यों हो रहा है। डीएम साहब की ये रिपोर्ट बताने के लिए काफ़ी है कि क्यों डिजिटल अटेंडेंस करना आवश्यक है। इतना ही नहीं, संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया संभल के कंपोजिट विद्यालय शरीफपुर पहुंचे। उन्होंने एक टीचर का मोबाइल मांगा और उसमें उन्होंने डिजिटल वेलबींग दिखाने को कहा, तो पता ये चला कि टीचर प्रेम गोयल 2.5 घंटे से ज़्यादा वक्त तक मोबाइल में बिजी थे। इनमें से वो 1 घंटा 17 मिनट तक कैंडी क्रश गेम खेल रहे थे, 26 मिनट तक फ़ोन पर वो बात करते रहे, 17 मिनट तक उन्होंने फेसबुक का इस्तेमाल किया। मतलब ये कि 2.5 घंटे तक मोबाइल देखने पर 9 मिनट ही ऐसा दिखा जिसमें वो कोई काम की चीज़ या कोई ऑफिशियल ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, बाकी समय तो वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर ही बिजी थे। जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं ये विद्यालय के अंदर मोबाइल न देखें। अभी एक शिक्षक ने हमें दिखाया, हमने कहा आप अपनी डिजिटल वेलबींग दिखाओ, तो जब मोबाइल देखा तो वो शिक्षक 8 बजे विद्यालय में आए हैं, अभी 2 बजे का समय हुआ है और लगभग 2.5 घंटे कैंडी क्रश सागा देख चुके हैं, वो खेल चुके हैं कैंडी क्रश सागा। उसके अतिरिक्त लगभग 1 घंटा और वो मोबाइल पर थे, तो सोच के देखिए 8 से 2 के बीच कितने समय मोबाइल पे शिक्षक जो रहते हैं वो सही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं ये विद्यालय का जो समय है उस समय के अंदर अपना शिक्षक का जो मूल काम है शिक्षण उसके ऊपर ध्यान दें। तो सर मोबाइल पर बैन लगाया जाएगा? मोबाइल पर बैन नहीं लगाया जाएगा, मोबाइल आवश्यक है लेकिन यदि इसका अपने व्यक्तिगत रूप से उपयोग करना है तो वो घर पर करें, विद्यालय में न करें। यहीं पर मैंने देखा एक शिक्षक और शिक्षिका बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से कॉपी चेक करती हैं। एक शिक्षक पाए उनकी एक भी त्रुटि नहीं थी उसकी कॉपी में, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ शिक्षक बहुत अच्छे हैं लेकिन जो कुछ कुछ शिक्षक हैं यदि वो अपने आप को सुधार लें तो इस पूरे जनपद के अंदर शिक्षा का कायाकल्प हो जाएगा। मिशन प्रेरणा में हम नंबर 1 रहेंगे, हम पूरे विद्यालय को, पूरे संभल को, पूरे प्रदेश को निपुण प्रदेश बना सकते हैं। मास्टर साहब स्कूल में मोबाइल पर बिजी रहे, इसका तो खुलासा हमने आपको दिखाया। डीएम साहब ने औचक निरीक्षण में जिस बात का खुलासा किया वो और गंभीर है। दरअसल डीएम साहब ने जब वहाँ पर पढ़ रहे छात्रों का होमवर्क रजिस्टर चेक किया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जिन टीचर्स पर बच्चों का भविष्य सुधारने की जिम्मेदारी होती है वो ही गलतियों पर गलतियाँ कर रहे थे। डीएम साहब एक एक कर जितने रजिस्टर चेक करते गए उनमें टीचर नंबर 1 के पेज में 9 गलतियां दिखाई थी, दूसरे टीचर के पेज में 23 गलतियां निकली, इसी तरह टीचर नंबर 3 के पेज में 11 गलतियां, चौथे नंबर के टीचर के पेज में 21 गलतियां, 5वें नंबर के टीचर के पेज में 18 गलतियां और छठे तक नंबर आते आते 13 गलतियां काउंट कर ली गई। सभी शिक्षकों की एक एक कॉपी भी चेक की। सबसे ख़राब लगा कि जो शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य है वो है बच्चे को करेक्ट करना, उसे सही करना। अभी मैंने देखा कि एक पृष्ठ में कुल 9 त्रुटियां, दूसरे शिक्षक का जब मैंने देखा उनके एक पृष्ठ में 23 त्रुटियां, एक शिक्षक का देखा फिर एक पृष्ठ में 11 त्रुटियां, फिर चौथे शिक्षक का देखा तो एक पृष्ठ में 21 त्रुटियां और उसके बाद एक पृष्ठ में 18 त्रुटियां और एक और शिक्षक इनकी एक पृष्ठ में 13 त्रुटियां। अब आप सोच के देखिए जब शिक्षक इतनी त्रुटियां करेंगे तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो मैं प्रयास करूंगा कि जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं उन सभी को BSA के माध्यम से, DIS साहब के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन मिले और जो होमवर्क है वो भी शिक्षक अच्छे से चेक करें क्योंकि यही आधार है, यही नींव है। सर जो त्रुटियां पाई गई हैं क्या इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? इनको अभी केवल हम चेतावनी देके जा रहे हैं कि ये भविष्य में अपने आप को सुधारें और बच्चों के लिए काम करें। मेरा मानना है कि
प्रत्येक व्यक्ति को एक या दो अवसर मिलने चाहिए। ये हमारे शिक्षक हैं, ये खुद निर्माता हैं, इनको एक अवसर दिया जाएगा। उसके उपरांत भी यदि त्रुटि करते हैं तो फिर मैं BSC साहब के माध्यम से कार्रवाई कराऊंगा, क्योंकि मैं नियमित रूप से कॉपी चेक करने नहीं आ सकता हूं। ये इन्हीं का दायित्व है, BSC का दायित्व है कि जब भी वो स्कूल की जांच करें तो अच्छे से एक एक चीज की जांच करें। वाकई में जो संभल के टीचर की कॉपियां चेक करने का काम और चेक निरीक्षण करने का काम वहां के DM राजेंद्र ने किया, वैसे हर जिले के DM को ये भूमिका निभानी चाहिए, ऐसे औचक निरीक्षण करने चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे यूपी में कितने टीचर्स हैं, तो आपको बता दें इस बारे में उत्तर प्रदेश के मंत्री ने जो जानकारी दी है उसमें उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 417,886 टीचर्स के पद हैं। इसमें योगी सरकार ने अब तक 1,26,371 शिक्षकों की भर्ती की है, जबकि 85,152 टीचर्स के पद अभी खाली हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे जब इतने प्राइमरी टीचर हैं तो स्टूडेंट कितने हैं और स्टूडेंट और टीचर्स का रेशियो कितना है, तो वो भी आप जान लें। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल में कुल 1,05,06,000 से ज्यादा छात्रों का नामांकन है। इन्हें पढ़ाने के लिए 3,32,734 टीचर्स हैं, यानी कि स्टूडेंट और टीचर का रेशियो 31:1 है, यानी कि 31 स्टूडेंट पर एक टीचर है। वहीं 1,47,766 शिक्षा मित्र भी हैं। अगर आप इन्हें भी जोड़ दें तो छात्र और स्टूडेंट का रेशियो घटकर 21:1 हो जाएगा, यानी कि 21 छात्रों पर एक टीचर का स्टैंडर्ड है। अब एक सवाल और जो आपके मन में आया होगा कि उत्तर प्रदेश में जब 85,000 से ज्यादा टीचर्स के पद खाली हैं तो फिर पढ़ाई कैसे हो रही होगी, तो इसका जवाब भी योगी सरकार के मंत्री की ओर से आया। योगी सरकार का कहना यह है कि अगर अंशकालिक अनुदेशक, शिक्षा मित्र और असिस्टेंट टीचर को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या बढ़कर 6,28,915 हो जाती है, जिससे स्टूडेंट टीचर का रेशियो घटकर 21:1 हो जाता है, यानी 21 छात्रों के ऊपर एक टीचर। टीचर्स की जो कमी है वो अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के जरिए भरी जा रही है। सरकार अलग अलग तरीके से अपना काम कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार प्रशासन के साथ साथ टीचर्स मिलकर छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर सकते हैं।